हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ एक्सेल के टॉपिक्स की वीडियो नहीं बनाता, आप लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। जैसे अभी भी थोड़ा देर पहले मुझे एक व्हाट्सअप आया है, वो शॉर्टकट नोट्स मांग रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स की ही हेल्प करता हूँ। सो अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल शॉर्टकट की। देखिए, एक्सेल की जो शॉर्टकट्स के लिए बहुत आप लोग बेचैन होते हैं, आपका एक्सेल का शॉर्टकट आपके एक्सेल से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहते हैं ये आपके एक्सेल में ही होता है। जैसे ऊपर सर्च दिख रहा है आपको, इस सर्च में मैं शॉर्टकट की ही बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कट हूँ। तो यहाँ देखिए, गेट हेल्प ऑन शॉर्टकट, यहाँ पे देखिए कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल दिख गया, क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स का पूरा लिस्ट खुल के आएगा। बट ध्यान रखिए, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगा, क्योंकि एक्सेल 2000, जो लेटेस्ट एक्सेल 2019 है या 16 है या 13 है, उसका हेल्प कनेक्टेड है इंटरनेट से, microsoft.com से। तो यहाँ हम एक बार हेल्प देखते हैं शॉर्टकट कहाँ। तो मैं इसको स्क्रॉल करता, देखिए फीचर्स एंड शॉर्टकट, फीचर्स एंड शॉर्टकट, सारे शॉर्टकट लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और सारे शॉर्टकट का पूरा यहाँ पे दिया गया है, और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि कैसे यूज करना है। अब हम नोट्स की बात करें, अगर आपको मान लीजिए किसी भी फीचर्स के बारे में जानना है, जैसे कि मुझे जानना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो आप होम पे जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, टेल मी मोर, या फिर जैसे यहाँ पे सर्च किया आपने शॉर्टकट को, ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे इन्फॉर्मेशन विद वीडियोज आपको यहाँ अवेलेबल है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इस फीचर्स को बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, नहीं देखते हैं, जनरली लोग गूगल पे सर्च करते हैं। मैं भी एक टाइम में गूगल पे ही सर्च करता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो आपका प्रूफ रीड के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गूगल पे हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल एंड अपने ब्लॉगिंग में लिखते हैं, वेबसाइट पे लिखते हैं, वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। बट जो एक्सेल हेल्प में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इधर प्रूफ रीड। सो आपको मैं बोलूँगा कि आप पहले एक्सेल हेल्प में ही चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें, अगर वहाँ से समझ में नहीं आती है या दिक्कत हो रही है या फिर आपको अपने लाइक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन गो टू द अदर सोर्सेस। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं मोबाइल नंबर नोट कर लिए, साथ में मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल ऐप में सारे वीडियो सिक्वेंसली मिलेंगे, और अच्छे अच्छे वीडियोज में अपलोड करता हूँ मोबाइल ऐप में, और साथ में मोबाइल ऐप में चैट के थ्रू मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे। कभी भी कुछ पूछना हो तो मुझे आप चैट से पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक बात करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।